गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की कहानियाँ आप लोगों के सामने ज़रूर जो है वो शेयर होती हैं। परमंडल के लोग जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और मंडल रोड अलग अलग पंचायतों का कहना है कि कॉलेज मंडल में ही बनेगा, पुर में नहीं मंडल में बनेगा। तारा जी क्या कहना चाहेंगे, धरने प्रदर्शन वाले लगातार धरना कर रहे हैं तो आप लोग दिख नहीं रहे। जी रोबिन जी शुक्रिया आपका। ये जो आज 10-15 दिन हो गए जो कॉलेज का ये इशू बना हुआ है, हाँ। तो हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि जो भी है कॉलेज का काम ऑलरेडी आज 4-5 महीने हो गए स्टार्ट हुआ मंडल में, हाँ। तो काफ़ी काम हो चुका है, तो हम यही बोल रहे हैं कि छोड़ो आप ये धरने लगा के इससे क्या हल निकलेगा। चलो धरना लगाना भी एक इनका राइट है, हम इनको मना नहीं करते, तो ये है कि हम यही सोचते हैं कि चलो जो ऑलरेडी जहाँ पे काम चल रहा है डिग्री कॉलेज ये तो चलेगा तो बनेगा ही मंडल, ये एक सेंट्रल प्लेस। अब ये बोलते हैं नहीं जी परमंडल के बच्चे जो ऊपर के बच्चे देवण फडैली कठार ये बच्चे जी ये मंडल में नहीं आ सकते। यार पहले तो गांधीनगर जाते थे या सांबा जाते थे, पहले कैसे चले जाते थे, अब तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट का शुक्रिया करो कि हमें एक डिग्री कॉलेज मिला है, वो भी एक सेंट्रल प्लेस में मिला है, तो सभी मिलजुल के सभी इसका समर्थन करें। और जो हमारे यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट के जो नहीं है जहाँ कोई ऑफिस नहीं है उसके लिए जिद्दोजहद करें जो हमें परमंडल के लिए ब्लॉक के लिए हमें मिले। तो बाकी छोटा मोटा ये तो नहीं करना चाहिए, अब तो काम चल रहा है ये तो ऐसे एक गवर्नमेंट को भी एक डिस्टर्ब करना और वो जो ठेकेदार होगा उसको डिस्टर्ब करना और पब्लिक को भी डिस्टर्ब करना, ये बात है। तारा जी वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, वोट ही नहीं उठने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो यही बोलूँगा उनको कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम तो उनके साथ कोई लड़ाई हमारा जिद्दोजहद तो कोई है नहीं, कोई लड़ाई तो है नहीं, ऐसे कोई लड़ाई तो हमारी उनके साथ कोई नहीं है। हम तो बस यही बोलेंगे चलो जो भी हुआ जो हुआ वो ठीक है, अब उनको चाहिए थी गवर्नमेंट को लैंड सरकारी चाहिए थी तो ये सरकारी उनको मिल गई, अच्छी ज़मीन मिल गई, इसमें कोई खर्चा गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो जैसे एक दिन आई दूसरे दिन इनका काम स्टार्ट हो गया। जैसे इनको कोई ऐसे पहाड़ी मिल जाती जिसमें 6 महीने साल तो सिर्फ पहाड़ी को लैंड लेवल करते ही उनको टाइम लगा 6-7 महीने, तो ये है कि अभी चल रहा है इसका काम, अच्छा काम चल रहा है, सबने इसका समर्थन ही करना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये बच्चों की शिक्षा का वो है। तो ऐसे कोई बिजनेस तो है नहीं है कि बिजनेस के ऊपर जहाँ कभी भी लीडरी का काम तो है नहीं, ये एजुकेशन का काम है बच्चे का, सभी ने समर्थन करना चाहिए, तो सभी के बच्चे जहाँ पे पढ़ें किसी को वो नहीं है कि इसका बच्चा पढ़े या दूसरा बच्चा पढ़े, सबके गवर्नमेंट का सबका साझा काम है ये। ठीक, डिग्री कॉलेज का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसमें अलग अलग लोगों ने अपनी राय जो है वो रखी। परमंडल के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि कॉलेज परमंडल में ही बनना चाहिए, बना कॉलेज का काम लगे हुए 5-6 महीने हो रहे हैं और कॉलेज का काम लगा हुआ है। खादम जी क्या कहना चाहेंगे, आपके गुरु जो है लगातार धरना दे रहे हैं फिर भी वो धरने से उठ नहीं रहे हैं, आप उनको बार बार अपील करते हो मना आपकी अपील की सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रही। रोविंद जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आप अपना टाइम कीमती टाइम जो है निकाल के हमारे पास आते हो, और आज का जो दिन है वो हमारा एक आज त्यौहार है होली का, मैं आपके माध्यम से सबको पहले होली की बधाई करूँगा, जितने भी मेरे लोग हैं मेरे साथी हैं और सबको मेरी तरफ से मेरी परिवार की तरफ से उनको होली की बहुत बहुत बधाई हो। रही बात आपने पूछी कॉलेज की और मेरे गुरुजी की, क्योंकि रोबिन जी कॉलेज तो जहाँ काम लगा उधर ही बनना है, रही बात मेरे गुरुजी की, मैंने कल भी और परसों भी एक वीडियो एक चैनल के माध्यम से बोला था कि मैं हर बार रिक्वेस्ट ही करूँगा, मैंने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा और एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो मेरी सरकारी जगह है जो मेरे गुरुजी बता रहे हैं वो उनके लिए मैंने भी प्रयास किया है, मैंने भी तहसीलदार साहब को चिट्ठी लिखी है, वो शायद मेरे को आज होली की वजह से छुट्टी थी वो आज मेरे को डिटेल ना मिल पाए, 1-2 दिन लग जाएगा, और मैं भी चाहता हूँ कि अगर हमारे ब्लॉक परमंडल में 11,000 कनाल जो सरकारी जगह है अगर उधर हो तो हमारे पास बहुत ऑफिस हैं जो उधर भी ले जा सकते हैं। चलो एक ये कॉलेज की बात है, ये एक डिग्री कॉलेज है, इसको वहाँ ही रखना चाहिए जहाँ इसको बच्चे आएँ,
और हमारे पास बहुत ऑफिस हैं जो प्रमंडल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। रही बात, मैं आपको एक अपील करूँगा आपके माध्यम से, जो लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरा जो गुरु है उसको हर बार आप गुरु गुरु बोल के इतना शर्मसार नहीं करो, बाकी लोग भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सबको अपील करूँगा कि जनाब हमारा 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और 1909 को हमारा ब्लॉक प्रमंडल बना था। 1909 के बाद आज दिन तक जितने भी ऑफिस हमारे प्रमंडल में, वो प्राइवेट घरों में फाल कर रहे हैं, प्राइवेट शॉप में फाल कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक अपने गुरुजी को नहीं कोसूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे कसूरवार हैं। उन्होंने आज दिन तक सरकारी लैंड क्यों नहीं दी उनको? क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं दी रोबिन जी, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग है वो रेंट में लगी हुई है। उन्होंने वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, इन किसी गरीब के लिए नहीं सोच रहे हैं। कि जो लोग बोलते हैं जी दूर दराज के, उनके लिए नहीं सोच, दूर दराज के घर ऊपर हैं उनका तो बेचारा है ही कुछ नहीं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को अपील करूंगा कि जनाब हमारा जैसे अभी डाकखाना वो भी प्राइवेट एक शॉप में है, शीप स्वेंडी का ऑफिस है वो भी प्राइवेट शॉप में है, और जनाब जैसे वेटनरी का अस्पताल है वो भी BMO साहब के ऑफिस में है, जैसे JDO CEO जो भी हमारा इधर प्रमंडल बैठता है उनका भी BMO ऑफिस में है। हमारे जो BDO ब्लॉक जिस जो हमारा ब्लॉक 1909 का बना ब्लॉक प्रमंडल में, उसका खुद का ऑफिस नहीं है BDO का कि वो अपना ऑफिस बना के बैठे, वो भी पंचायत घर में रन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से DC मैडम को, LG साहब को अपील करूँगा कि सर आपके पास बहुत आले हैं, हमारा कम से कम जो सरकारी लैंड है, जहाँ सरकार जैसे जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी जगह है, उस जगह को शार्ट आउट करके वो जो ऑफिस बने हैं, जो सरकार के ऑफिस हैं, उनको रेंट क्यों पे कर रहे हो? उनको सरकारी जगह दीजिए, उधर बहुत अच्छा सा एक कम्प्लेक्स बनाइए। अगर हमारे पास 11,000 कनाल जगह है तो हम एक बहुत बड़ी एक कम्प्लेक्स बनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि एक हमारा एक जो डिग्री कॉलेज है रोबिन जी, इसकी जो गाइडलाइन है इसमें 55 कनाल से 90 कनाल जगह चाहिए, वो भी हमें सरकारी जगह चाहिए, प्राइवेट लैंड नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी? आप मुझे बताओ कि कॉलेज इधर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वो कहते हैं कि प्रमंडल में ही बनना चाहिए, खाली एक पंचायत के लिए कॉलेज है, इसमें कितने? देखो मैं आपके माध्यम से हर बार उनको अपील ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका एक साथी हूँ, एक जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मैं बच्चा हूँ, और मेरी ये अपील ही रहेगी कि मैं उनके साथ तो कोई ज़मीन तो बांटनी नहीं, कि मेरी उधर ज़मीन है मैं उनके साथ कोई ज़मीन बांटूंगा। सच बात ये है कि आदमी को डिग्री कॉलेज उधर बनाना जहाँ हमारे लोग उसमें बच्चे की एडमिशन कराएँ। अभी वो अगर चार पंचायत, एक पंचायत में मात्र 4 वार्ड हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो कहाँ से सच होगा? और मैं बताऊँ, मैं कल परसों भी बोल रहा, हमारा कम से कम 100 से 150 गांव है जो सराउंडिंग इस कॉलेज में फाल करेगा, और ये कॉलेज जब खुलेगा मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि इसमें इतने बच्चे आएंगे हमारे पास एडमिशन लेने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया है। आप खुद बाखूबी जानते हो, जैसे विजयपुर है, सजानी है, गुड़ा है, बड़ोड़ी है, समैलपुर है, बड़ी ब्राह्मणा है, बीरपुर लोर है, बीरपुर आप है, जलोचक है, चौधरी है, और उसके बाद सैनिक कॉलोनी है, उसके बाद बीरपुर है, खड़ा है, मड़ाना है, सांदी है, सुंबली है, बाबली है, और जो सबसे बड़ा एक आपको बताऊं जो एरिया जम्मू के साथ टच करता वो डब्बू भला है, और उसके बाद कटवालता पंचायत के है, उत्तर बैनी है, मोतली है, रोबिन जी कितने गांव हैं जो जितने का मैं नाम बताऊंगा, ये सारे इनमें हाई सेकेंडरी हैं, इनमें कोई पाँचवीं का स्कूल नहीं है। जो एक फर्स्ट का बच्चा जो है इस डिग्री कॉलेज में पढ़ेगा वो हाई सेकेंडरी का स्टूडेंट ही डिग्री कॉलेज में पहुंचेगा। इनको जहाँ तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो ये बैठे हैं मेरे से बड़े हैं, मैं इनको ऐसी कोई शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ कि जो इनको बुरा लगे, मैं वो शब्द कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनके आगे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जनाब इस कॉलेज के पीछे मत पढ़िए। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं जो और हैं, उनके पीछे पढ़िए। और मैं आपके माध्यम से इनको एक और अपील करूँगा, और इनको भी अपील करूँगा, और DC मैडम को भी अपील करूँगा, और मतलब LG साहब को भी अपील करूँगा कि जो हमारी ये शिव नगरी है जिसके नाम पर हमारे ब्लॉक प्रमंडल की पहचान है, हमारी शिव नगरी के जो इतनी भी सराय हैं जिन जिन लोगों ने ऑक्यूपाई की है, सबसे पहले वो जो हमारी सराय हैं वो खाली करें अपनी मर्जी से, और जो शिव नगरी की जगह है
जिन्होंने अपने पर्सनल मकान बनाए हैं या जिसने वो कवर की है, मैं डीसी मैडम को, एलजी साहब को अपील करूंगा कि डीसी मैडम, अगर हर जगह पीला पंजा चल सकता है और जो शिव नगर की जगह है, जो हमारी धर्मस ट्रस्ट की जगह है, जिन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया वो भी खाली हो सकती है। मैं आपके माध्यम से ये यही अपील करूंगा कि मेरी जो जगह है धर्म ट्रस्ट की, जो अपने परमंडल जो हमारे तीर्थ स्थान है, जैसे हमारे लोग बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं, उनको बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं, जो लोग यूपी बिहार जम्मू कश्मीर से कहीं भी बहुत अन्य लोग बहुत राज्यों से आते हैं, वो उनको एक चाह होता है जब वो परमंडल आते हैं, परमंडल के बीच में आने के बाद उनको रहने के लिए स्टे के लिए कोई जगह नहीं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा उन लोगों को भी जो धरने में बैठे हैं, और डीसी मैडम को अपील करूँगा कि हमारा जो परमंडल है उनके अंदर सराएँ बननी चाहिए, उनके अंदर बाथरूम बनने चाहिए, उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और वो बोलते हैं जी सब कुछ हमारा ऐसे होगा, ऐसे हम चलने नहीं देंगे। ये आपके माध्यम से हमने पहले भी बोला था, आज भी ज़रूर बोलेंगे कि हम ना गलत करेंगे और ना ही गलत होने देंगे। ये मेरी आपसे अपील है और मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को भी ये अपील करता हूँ कि हमारी सरां की जो जगह है वो जल्दी से जल्दी खाली कराई जाए। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परमंडल का, यानी कि जो मंडल में बन रहा है, उसका बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कुछ परमंडल के लोग धरने पर बैठे हुए हैं कि आखिर कॉलेज जो है वो दोबारा से परमंडल आना चाहिए। यानी कि फिर से आप लोगों को बता दूँ कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर कॉलेज बन रहा है। हम चाहते हैं कि कॉलेज यहाँ पर ही बने। तमाम लोगों का और तमाम पंचायत के लोगों का कहना है, जितनी 6-7 पंचायतें यहाँ पर इकट्ठी हुई थी उनका भी यही कहना है कि कॉलेज यहाँ पर बनना चाहिए। और खादम जी ने बताया कि धर्मा ट्रस्ट की जो ज़मीन है कहीं ना कहीं उन पर भी नज़र डाली जाए। फिलहाल हारी की रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट।